स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। जय माता दी, सुप्रभात सभी को। और आज और यहाँ पे मैं आप रोटी बना के बच्चों के लिए मैं रख दी हूँ और सब्जी भी बना दी हूँ। सब्जी भी बना के जब ये लोग आएगा तो ब्रेकफास्ट कर लेगा। तब तक मैं इधर पानी गर्म कर लेती हूँ। बोतल सब मैं पानी गर्म करके रख देती हूँ। फिर ये आ जाए तो एक बार चाय भी बनाऊं मैं, क्योंकि ठंड तो इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है। आज सुबह सुबह बाबूजी से भी बात हुई तो वो भी कह रहे थे बिहार में बहुत ज्यादा कोहरा हो गया है, दो दिन से कोहरा लग रहा है। कल तो 12 बजे धूप निकली बिहार में भी, और यहाँ पे भी। अब बिहार अब तो ठंड आएगी ही, अब तो नवम्बर आ गई तो बिहार से भी सब जगह अब ठंड आएगी। यहाँ पे थोड़ी पहले आ जाती है पहाड़ी इलाका में। तो चलिए मैं इतना काम कर ली और इसके बाद झाड़ू तो लगा दी हूँ, पोछा लगाना बाकी है। और इधर देखिए मैं बना दी हूँ चाय, क्योंकि ये भी आ गए हैं तो चाय पी लेते हैं। और डुगू को दे देती हूँ मैं नाश्ता, और डुगू भी आ गया फ्रेश होके तो उसको दे देती हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि उसको भी दवाई खाना है। तो वो भी दवाई खा के और चला जाएगा उसके बाद पढ़ने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर देखती हूँ खाने का, देखती हूँ। आज वैसे शनिवार है तो सोच रही हूँ खिचड़ी बना दूँ, खिचड़ी चोखा बना दूँ सबसे बढ़िया। पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं आगे का काम। और इधर खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी बना दी, बस प्रेशर निकल जाए ना तो फिर तड़का लगा दूँगी। इधर चोखा बना रही हूँ तो चोखे में मैं डाल दे रही हूँ धनिया पत्ता। ये वाला धनिया पत्ता में बहुत ज़्यादा डांट है, मतलब पत्ता से ज़्यादा थोड़ा बड़ा डांट ही डांट रही थी। ये मैं डाल देती हूँ अब उसमें चोखे में। और ठंड तो अच्छी खासी ब्रांड बजा के रखी है, इतनी ठंड लग रही है। चलिए खाना बन गया है, मैं निकाल लेती हूँ तो डुगू को उस रूम से बुला लेती हूँ, डुगू आ जाएगा। ये खिचड़ी खाने में गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। और इसके साथ चोखा बनाई हूँ मैं और धनिया पत्ता आमले की चटनी बनाई थी तो वो है। पापड़ है पर पापड़ नहीं सेकूंगी, जो डुगू नहीं खाएगा फिर उसका मन करता है खाने का, बच्चा है तो इसलिए पापड़ मैं सोच रही हूँ छोड़ दूँ, नहीं सेकू क्योंकि वो मानता नहीं है, फिर मांगता है खाने के लिए। चलिए मैं सबको खाना दे देती हूँ, पहले डुगू को बुला लीजिए फ्रेंड से। खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी, और सोई क्या थी, ठंड लग रही थी तो कंबल के नीचे गई तो बस आंख लग गई। और दोपहर का बर्तन भी सारा रखा हुआ है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सारा बर्तन रखा हुआ है, बेसिन में यही है, कढ़ाई कुकर सब कुछ रखा हुआ है। धूप हमारी इधर से तो चले गई पर सामने वाले पहाड़ पर देखिए अच्छी खासी धूप अभी भी है, इधर तो नीचे तो धूप रहती ही नहीं है। और चलिए पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी मैं आज चने का भुंजा। भुना हुआ चना है, बस उसमें प्याज नमक हरी मिर्च यही सब डाल के बनाना है, क्योंकि आज शनिवार भी है तो हम लोग का नाश्ता में आज वही हो जाएगा। तो पहले मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊंगी। आज मेरे घर में पता नहीं कहाँ से एक मक्खी बड़ी सी घुस आई है, वो निकल ही नहीं रही है तो देखती हूँ उसको भी भगा निकली, क्योंकि अभी वो खिड़की पर उड़ रही थी ना तो मेरी नज़र उस पर चली गई। तो चलिए मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, और बर्तन तो मैं साफ़ कर ली। इधर भुजिया भी मैं बना ली हूँ तो दिखाती हूँ आप लोगों को मैं, बहुत ही बस मुरमुरे की थोड़ी कमी रह गई क्योंकि मुरमुरे ख़त्म हो गई थी घर में। और ये देखिए तो इसमें मैं थोड़ा सा, इसमें मैं डाली हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक जो खाने वाला डेली वाला रहता है वो, थोड़े से सरसों का तेल, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता ये सब डाल के। और ये भुंजा हो गया तैयार, पर थोड़ा मुरमुरा रहता तो और भी अच्छा लगता।
मुड़ा खत्म है तो चलिए ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं। और इधर मैं अब चाय चढ़ा दी हूँ, नाश्ता तो हम लोगों का हो गया, नाश्ता बना दी मैं। क्योंकि शाम रात का खाना भी मुझे थोड़ा जल्दी बनाना है, नाइट ड्यूटी है जी, तो ये ड्यूटी जाएंगे। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं घर शाम जो शाम की झाड़ू निकालता है घर से वो मैं लगा देती हूँ। चलिए मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे 5:30 बजते बजते अंधेरा होता है, तो टाइम 5:10 हो रहा है, तो मैं झाड़ू लगा दूँ। खाना तो हम लोग का हो गया और जा रहे हैं, ये भी ड्यूटी जा रहे हैं, इनका भी टाइम हो गया ड्यूटी जाने का। उसके बाद बाहर का लाइट बंद करके हम लोग भी अंदर आ जाएंगे और कमरे के अंदर थोड़ी देर बैठ के टीवी देखेंगे। और ये इनका पानी का बोतल दे देती हूँ, ये पानी का बोतल लेके चले जाएंगे नीचे क्योंकि ठंड है, फिर भी प्यास तो लगती है, इसलिए दे देती हूँ मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके। और चलिए आज का वीडियो भी यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।